एक तरफ राज्य सरकार जहां शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, ऐसे में श्री गंगानगर जिले का एक इलाका ऐसा भी है जहां पर 12वीं कक्षा के बाद बच्चियां उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर पाती। वहीं ग्रामीण इलाकों में परिवहन सहित अन्य सुविधा नहीं होने के कारण बच्चे अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। श्री गंगानगर जिले के सुरतगढ़ उपखंड की राज्य स्वरूप तहसील को बने हुए करीब 10 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में आज तक महाविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ है, जिसके कारण हर वर्ष करीब 5 से 6 हजार बच्चे 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करते हैं। इनमें से करीब 1 हजार से भी कम बच्चे अपनी आगे की उच्च शिक्षा हेतु बाहर जा पाते हैं, ऐसे में अधिकांश बच्चों को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। अभिभावकों के अनुसार उप तहसील क्षेत्र में करीब 70 किलोमीटर की परिधि के सभी गांव से निकलने वाले बच्चों के लिए उच्च शिक्षा हेतु महाविद्यालय नहीं होने के कारण इलाके के बच्चे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं। वहीं आर्थिक रूप से इलाका पिछड़ा होने के कारण बारिश की खेती पर ही निर्भर है, ऐसे में किसानों परिवारों से निकलने वाले बच्चों के लिए बच्चों का पालन पोषण करना भी बहुत जरूरी है, वहीं पढ़ाई के लिए भी वो आर्थिक रूप से संबल नहीं है। हमारे राजेश्वर उप तहसील बने हुए लगभग 7-8 साल हो चुके हैं और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है। शिक्षा जगत में देखी जाए तो राजकीय महाविद्यालय की जो आवश्यकता है वो सबसे बड़ी है। राजेश्वर छात्र संघर्ष समिति का जो गठन हुआ है पिछले 5-6 महीने से लगातार हम गांव में संपर्क कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो इलाके के बच्चे हैं उनको उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर ना जाना पड़े। राजेश्वर उप तहसील के लगभग 20 पटवार मंडल हैं और लगभग 50-60 गांवों के बच्चे हैं जिनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो हमारी राज्य सरकार से यही मांग रहेगी कि आने वाले बजट के अंदर जो ये राजकीय महाविद्यालय है इसकी घोषणा करे सरकार और हमारी बच्चियों को, खास तौर से इलाके की बच्चियों को दूर ना जाना पड़े और यही राजकीय महाविद्यालय मिल सके। 12th क्रॉस करने के बाद हमें बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। यहाँ पे राजेश्वर में कोई साधन नहीं होने के कारण 70 किलोमीटर दूर हमें सूरतगढ़ जाना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग रहेगी कि यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय खोलें। मैं पढ़ रही हूँ लेकिन हमारी जो बड़ी बहनी है वो अभी तक है ना पढ़ने के लिए बाहर जाती है कॉलेजों के लिए, वो उनको यहाँ से सूरतगढ़ जाना पड़ता है। यहाँ पर महाविद्यालय नहीं है इसलिए हमें सरकार से मांग रहेगी कि यहाँ पर महाविद्यालय होना चाहिए। मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। हमारे यहाँ कोई कॉलेज या महाविद्यालय की व्यवस्था नहीं है इसलिए हमारे छोटे बड़े बहन भाई यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो हमारे यहाँ राज्य उप तहसील राजेश्वर में महाविद्यालय खुलवाने की व्यवस्था करवाएं। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हूँ मैं श्री गंगानगर के राजेश्वर उप तहसील। यहाँ पर महाविद्यालय निर्माण की मांग को लेकर है जो ग्रामीण आस पास के इलाकों में वो आज महापड़ाव लगाया है। अभी मैं मौजूद हूँ श्री राजेश्वर के राम मंदिर मैदान में और यहाँ पर श्री कृष्ण जो ग्रामीणों ने महापड़ाव लगाया ग्रामीण है महाविद्यालय के निर्माण की मांग को लगातार है और एक इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग इकट्ठा करेंगे कि राजस्थान की सरकार प्रदीप कुमार के अंदर श्री गंगानगर।